और बात पठानकोट की होगी, जहां पर आज भी ग्रामीण इलाके के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ लगाने की योजना चल रही है, लेकिन उसका फायदा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। मरोड़ा पंचायत के आजाद पारा के लोग आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। यहां के 8 परिवारों के लोग 25 सालों से सुविधाओं से वंचित हैं। चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि वादे तो खूब करते हैं, लेकिन बाद में इन इलाकों को कोई झांकने तक नहीं आता है। क्या करेंगे, अभी बहुत साल हो रहे, क्या करेंगे, बीमार तो पड़ते हैं, तो क्या करेंगे। अभी 20-25 साल हो गए पी रहे हैं, बोलते हैं बहुत बार हो गया, बोल चुके हैं लाइट की व्यवस्था के लिए, सब झरे का पानी पीते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। अमर मंडल से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पखांजूर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमर, ये गांव आजादी के 7 दशक बाद भी विकास से कोसों दूर है। जनप्रतिनिधि चुनाव के लिए के टाइम तो आते हैं, लेकिन बाद में इनको कोई इनका होश नहीं रहता। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और जहाँ सरकार हर क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने की दावा करती है, वही अगर सरकारी दावा की जमीनी हकीकत देखा जाए तो पखंजू से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मरोड़ा के आजाद पारा में रहने वाले ग्रामीण जो आजादी के 7 दशक बाद भी एक स्वस्थ पानी पीने के तरस रहे हैं, तो आज भी 20-25 सालों से झरिया का पानी पीने को मजबूर है। जब उनसे बात किया गया तो उनका कहना यह है कि हर चुनाव से पहले जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं और बड़े बड़े वादा करते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद आपके स्वच्छ पीने का पानी, बिजली, सड़क सब व्यवस्था कर देंगे, लेकिन जैसे चुनाव जीतते हैं और उसके बाद सारे वादे भूल जाते हैं। जी, शुद्ध पेयजल के लिए योजना के तहत यहाँ पर आरओ लगने थे, लेकिन आरओ नहीं लगे हैं अमर अभी तक। और पानी के अलावा क्या क्या समस्याएं इस गांव में, कच्ची सड़कें बन गई हैं क्या, अस्पताल जाने के लिए कुछ पक्के रास्ते हैं, कैसे लोग यहाँ से निकलेंगे शहरों की ओर? जी, आपको बताना चाहूंगा, ना ही रास्ता है, ना ही बिजली है, ना ही पीने का पानी, आरओ तो दूसरी बात आपको बताऊंगा, एक पीने के एक नल भी नहीं है। जी, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, सुदृढ़ है गांव में, स्कूल वगैरह है, बच्चे स्कूल जाते हैं, या फिर स्कूल भी नहीं है कोई भी, आसपास के गांव में भी कोई स्कूल नहीं है? जी, बाजू वाले दूसरे गांव में जाना पड़ता है, करीबन 4 से 5 किलोमीटर पैदल वहाँ के बच्चे लोगों को स्कूल जाना पड़ता है, और एक आंगनबाड़ी भी उस पारा में नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अमर जानकारी के लिए।